चैनल और इस वक्त हूँ मैं दिल्ली में। मैं अपने 6 डेज के लेओवर पैटर्न पे आई हूँ, तो मेरा 2 दिन ऑलरेडी हो चुका है। आज मेरा 3rd डे है। 2 दिन में हमने फ़्लाइट की और आज थोड़ा रेस्ट है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा दिल्ली घूम आए। वैसे आपको पता होगा जो मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहा है व्लॉग्स पे कि मैं दिल्ली में रह चुकी हूँ। 5 मंथ्स मेरा इधर ट्रांसफ़र हो गया था, तो तभी मैं घूमती थी पर इतना टाइम नहीं मिलता था। पर अब जब यहाँ आई हूँ तो सोच रही हूँ जाओ थोड़ा सरोजनी चांदनी चौक, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है थोड़ा राउंड मार के आती हूँ। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ आज मेरा गुड हेयर डे नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे गंदे से हो रहे हैं ना बाल, बट मैंने सोचा कि ठीक है अभी तो धूप में ही घूमना है तो काम चला लेंगे, फिर आकर मैं बाल धो लूँगी। और मैंने ये कुर्ती पहनी है, पर मैं इसके ऊपर क्या पर्स जाएगा वो लाना मैं भूल गई। और अब मैंने ये जो कैजुअल पे पहनते हैं वैसे मैं कुर्ती पे पहन रही हूँ, बट ठीक है कौन ही देख रहा है इतना। तो आपको पूरा आउटफिट दिखा देती हूँ। दिस इज़ माय आउटफिट। और मुझे ऐसे कुर्तीज अच्छी लगती है, पर ये मेरी मॉम का है इसलिए मुझे थोड़ा सा लूज़ है, बट ठीक है ढीला ढाला पहनना है क्योंकि गर्मी है बहुत। और देखो ये पर्स की बात कर रही हूँ, अब ये इसको ऐसे क्रॉस ऐसे शोल्डर पे लेते हैं ऐसे, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं इसको ऐसे ले ले रही हूँ। अगर मुझे सरोजनी में कुछ अच्छा लगा तो मैं ले लूँगी। सो या देखो खाना आ चुका है, खाना खा लेते हैं फिर नीचे जाते हैं। फराना मेरी जो कलीग है और अभी फ्रेंड भी, तो वो वेट कर रही है। और मौसम तो आप सब जानते ही होंगे, तो मौसम भी नीचे है, वो भी बुफे में खा रही है। मैंने इन रूम मंगा लिया था क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, तो चलो खाते हैं और फिर नीचे जाते हैं, फिर मैं आपको अपने साथ दिल्ली घुमाती हूँ। हम उग्रसेन की बावली देखने आए थे पर हमारा पोपट हो गया। यहाँ पे एम्बेसी के बड़े बड़े लोग आ गए हैं तो हमें भगा दिया गया है और कह रहे हैं कि कर दिया। तो उन्होंने बोला जाओ जाओ 3 बजे के बाद आओ। एक तो पता नहीं यार ये दिल्ली के कुछ लोग नॉट ऑफेंडिंग सम ऑफ यू, पर बहुत लाउड होते, कैसे बात करते हैं यार। मतलब हमारे साथ एक मेरी फ्रेंड भी आई हुई है, उसने तो झाड़ दिया कि आप लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात करते हो, आप लोग को तमीज़ नहीं है। उसने बोल दिया, हम नहीं बोल पाते हैं कभी कभी, बट उसने बोल दिया थैंकफुली। हमें बोले थे अंग्रेज है अब आगे जाओ गाड़ी इधर पार्क मत करो उधर पार्क करना आपको। तो अभी मैं और मौसम और मेरी फ्रेंड हम लोग राउंड मार रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे आसपास कुछ है कि नहीं है। और मंदिर आएगा इस तो अभी बस गली में देखेंगे और फिर निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस बार हमारा ये हो पाएगा, क्योंकि हमें चांदनी चौक और सरोजनी भी जाना है। यहाँ आगे कुछ नहीं है गाइस, यू टर्न ले लेते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम है मैं ट्रेन का फ्लाइट कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट साल बाद। हाँ हम रूममेट्स थे, आपको तो पता होगा अगर आप हमें फॉलो करते हो, और आज जाके हमारा लेवर लगा है। चलो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट फेज ऑफ व्लॉग में, अभी बहुत सड़ा रही हूँ मैं। अभी हम सरोजनी में हैं और नींबू पानी के लिए मैंने बोला हुआ है। बहुत गर्मी है यहाँ पे। बैठ गई हूँ, मैंने की थोड़ी बहुत शॉपिंग निकली, इतना मेरा लोअर बैक पेन कर रहा है ना कल से, कल की फ्लाइट के बाद से मेरा बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन कर रहा है। और अभी मौसम शॉपिंग कर रही है और हम बैठे हुए हैं। हम चांदनी चौक से निकल गए, मेरी हालत देख के समझ में आ रहा होगा आप लोगों को हम बहुत ज़्यादा थक गए, ऊपर से मेरा लोअर बैक बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। तो अब हम जा रहे हैं चांदनी चौक और वहाँ पे देखेंगे कुछ अच्छा मिला तो ले लिया, वरना फिर बदल जाएंगे।
गाइस हम पहुंच गए चांदनी चौक और साइकिल में बैठे हैं हम। आगे मेरे दोनों फ्रेंड्स बैठे हैं और पीछे मैं। यहाँ पे हम छोटे से शॉप में घुसे जो इतना प्यारा प्यारा यहाँ पे लहंगा मिल रहा है। मैं अपने प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे आई थी, बट अभी रिया की भी शादी है तो हम उसके लिए भी देख रहे हैं कि उसके फंक्शंस में हम क्या पहन सकते हैं। और अगर इन्होंने मुझे परमिशन दी तो मैं यहाँ पे थोड़े लहंगे दिखा दूंगी आपको। ये वाला लहंगा है जो मुझे अच्छा लगा, आई एम टेकिंग ओनली और दिसा लहंगा। और यहाँ पे 2K से स्टार्टिंग है और 2 से कितने तक की प्राइस है? वो मुझे ग्रीन वाला ट्राई कर। और ये जो भैया है इनको शादी करनी है तो भैया कह रहे हैं वीडियो ले लो पर शादी करवा दो। और मुझे भी करनी है भैया। आपकी आपकी शादी हुई? नहीं, हाँ मेरा हुआ। अच्छा, तो उनको नहीं करनी है भैया? खाली लड़के की शादी करानी है, लहंगा दुल्हन दोनों। तो मैं अभी घर आ गई। हम सबसे पहले गए उग्रा सेन की बावली जो बंद था, वहाँ पे कुछ एम्बेसी के लोग आए हुए थे। सेकेंड फिर हम गए सरोजनी नगर, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतने धूप की वजह से मतलब मुझे बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था और लोअर बैक में इतना पेन था कि मैं नहीं चल पा रही थी ज़्यादा। फिर भी मैंने कुछ कुछ शॉपिंग की, मतलब एक ब्लेज़र लिया और स्कर्ट लिया, शॉर्ट्स लिया वैसे। और फिर हम गए चांदनी चौक क्योंकि मुझे देखना था, रेफरेंस लेना था कि कैसा लहंगा मिलता है, कैसे शादी की चीज़ें मिलती है, ताकि जब मैं आऊँ अपनी शॉपिंग के लिए अभी कुछ महीनों में तब मेरे लिए ईजी हो। और मैंने कुछ कार्ड्स भी लिए हुए हैं कुछ शॉपकीपर्स के, ताकि हम डायरेक्ट आए तो उन्हीं शॉप्स में जाए और अच्छा पड़ जाए हमें। फिर हम थक गए, हमने छोले भटूरे खाए और हम आ गए होटल। और अभी जस्ट मैं अपने बाल बाल धो के नहा के फ्रेश हुई हूँ, इतना ज़्यादा बॉडी पेन कर रहा था। अब कल मेरी फ़्लाइट है सुबह 9:30 की और हम जा रहे हैं टू द न्यू डेस्टिनेशन जो मैं दिल्ली में रह के भी नहीं गई थी। तो इट्स कॉल्ड द वन ऑफ द हैप्पीस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, आप लोग गेस करिए। और मैं आपको मिलती हूँ उस कंट्री में। Hi guys, welcome back to my channel. एक सेकेंड, मैं भूल गई थी कि हम ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं दिल्ली से। और जो आपने अभी इस क्लिप के पहले जो वीडियो देखी वो थी डेनमार्क की। आई एम इन डेनमार्क कोपेनहेगन और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कोपेनहेगन में। तो आई वॉज रियली एक्साइटेड, बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्लूमी हो रहा है मौसम क्योंकि बारिश है, ठंड है साथ में। बट नो वरीज, हम कल सुबह सुबह जाएंगे और घूमेंगे थोड़ा बहुत, देखेंगे। और क्योंकि 5:30 का ही कल शाम को हमें 5:30 यहाँ से निकलना है, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी भी हम घूमने निकल नहीं सकते क्योंकि इट्स गेटिंग डार्क, बट सुबह निकलेंगे तो घूम फिर के मैं आपको बताऊँगी कि कोपेनहेगन कैसा है, डेनमार्क कैसा है। डेनमार्क को वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। और मैं जानना चाहती हूँ कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है, कि क्यों ये लोग खुश है और क्यों इसे वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। तो अभी मैं आई हूँ होटल, फटाफट चेंज कर लेते हैं एंड देन आपसे मिलते हैं कल ब्रेकफास्ट में और फिर हम कल एक्सप्लोर करेंगे कोपेनहेगन। मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 6:45 और इंडिया में बज रहे होंगे 4:30 घंटा बढ़ा लो। और मैं जैसे अभी उठी मेरे मुंह से समझ में आ रहा था, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मैंने बस थोड़ा सा, मतलब मैंने अपने नाक पे पिंच किया, ठीक है, मुझे इचिंग हो रही थी तो मैंने ऐसे पिंच कर दिया और मेरी नाक इतनी लाल हो गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है और अभी जब मैं फ्रेश होने जा रही हूँ फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे घूमने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ के टाइमिंग के हिसाब से 1:00 तक वापस आना है।
क्योंकि मैंने आपको जैसे कल बताया कि 5:30 बजे का हमारा कॉल टाइमिंग है, पिकअप है। तो चलो फ्रेश हो जाती हूँ और रेडी होके आपसे मिलती हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ गाइस। मैंने ये ओवरकोट पहना है, ये गोल्ड स्टैक किया है, गोल्ड गोल्ड नहीं है बस गोल्ड कलर, क्योंकि आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है। मैं आपको अपना पूरा आउटफिट बताती हूँ। मैंने ऐसे कैजुअल ऐसे ब्लेजर टाइप का पहना है और अंदर इनर है, एंड देन दिस इज द जीन्स। मैं आपको बताती हूँ। सो दिस इज द लुक। और हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही क्रॉस करके ही, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें म्यूट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल क्रॉस करते ही ये जो आपने सीनरी देखी अभी वो था, है मतलब, और हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। बहुत रिफ्रेशिंग है पर ठंडी बहुत है, हाथ पैर ऐसे कड़क हो रहे हैं, बट ठीक है। चलो अब हम चल चल के जा रहे हैं। वो क्या नाम है यार उसका जगह का, उसका नाम क्या जगह का, ने हेवन। हम नए हेवन जा रहे हैं, है ना? नहीं, क्या नाम है? नहीं, तो अब हम जा रहे हैं वॉकिंग वॉकिंग वहीं पे, यहाँ का कुछ फेमस है। अब मैं इनसे नाम पूछ रही हूँ तो इन लोग को भी नाम नहीं पता, ये लोग मेरे ही कैटेगरी वाले हैं। पर यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फॉरेन कंट्रीज में हीरोइन जब बहुत अपसेट होती है और ब्रेकअप हो जाता है तो अकेले घूमती है ना, वैसा वाला फील आ रहा है फुल। मौसम, तूने मेरे व्लॉग में आज कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है? लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं DM में कि मौसम भी है अब तो व्लॉग बनाओ। अब बना रहे व्लॉग, इसके भी नाक आँख लाल सब हो गई है भाई, यहाँ आँख ही नहीं खुल रही, ठंडी में भी आँख से पानी आ रहा है। यहाँ पे यहाँ का ये बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, तो हम वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे वो कलरफुल बिल्डिंग्स है और बीच में एक कनाल टाइप्स का जा रहा है और उसके ऊपर कैफेज भी है, फ्लोटिंग कैफे अगर आपको दिख रहा है, बट अभी वो बंद है। तो अब हम चल चल के ब्रिज पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से मैंने देखा था इंस्टाग्राम पर कि वहाँ से लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं और रील्स बनाते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छा आता होगा। गाइस बहुत खुशी हो रही है मुझे क्योंकि ये मेरा फर्स्ट, लंदन भी वैसे चलो UK में आता है, दिस इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेसेस ऑफ यूरोप, कोपेनहेगन, डेनमार्क। ट्रैवल ब्लॉगर मतलब ऐसे हूँ नहीं, मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता होता है क्या टर्म्स और क्या वर्ड्स यूज़ करना है, तो मैं अभी भी रुकी हूँ, मुझे पता नहीं। मैं बस घूमने आ जाती हूँ जो जो अच्छी अच्छी जगह होती है और जो फेमस जगह होती है। तो आप प्लीज़ ऐसे जज मत करिए क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे कॉमेंट्स कर देते हैं, इनका तो इनको कुछ पता ही नहीं होता या इनके ब्लॉग्स का कुछ कहाँ से शुरू होता है कहाँ से ख़त्म होता है वही नहीं होता पता चलता, बट ठीक है, इट्स अ लर्निंग फेज। हम एक एक दिन एक एक ब्लॉग हम लर्न करते हैं, प्लीज़ बेयर विद मी। तो अभी सामने बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है, हम वहाँ जा रहे हैं और हम उसके टॉप पे भी जा सकते हैं। तो गाइज मैंने आपको बोला हम वो चर्च जाने वाले और भगवान से हम थोड़ी क्लोज कनेक्शन बनाएंगे, बट हमारा नसीब ख़राब है क्योंकि वो लेट खुलेगा, 12 बजे खुलेगा और अभी यहाँ पे 9 बज रहे तो टाइमिंग्स मैच नहीं कर रही, हमें 1 बजे तक घर भी जा होटल भी जाना है।
तो अब हम घूम के वॉकिंग 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 जो भी डेस्टिनेशन दिख रही है तो हम वो घूमते हुए जाएंगे। और यहाँ पे ट्रैवलिंग थोड़ी महंगी है तो हम बाय वॉक ही जा रहे हैं, जो कि तो इतनी थकान नहीं लग रही है क्योंकि ठंडा मौसम है तो अच्छा लग रहा है वॉकिंग भी। और तो मैं आपको घुमाते हुए चलूँगी। इस कैफे आए हैं फराना को कुछ पीना है और यहाँ पे बहुत ही यमी, आई मीन देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है सब डिज़र्ट, बट आई एम नॉट ईटिंग दैट क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। लाइफस्टाइल इनकी बहुत सिंपल है, सब साइकिल पे। मैं हार्डली किसी को मतलब स्कूटर या बाइक पे देखा होगा, हार्डली अभी तक नहीं देखा, एक भी स्कूटर और बाइक मैंने अभी तक नहीं देखा, वो सारे ही साइकिल पे है। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। एक तो इतनी ठंडी है ना कि मुझसे बोला नहीं जा रहा है और मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ ब्लॉग में। तो अभी हम आए हैं सोवनियर शॉप पे मैग्नेट्स देखने के लिए, तो मैंने ये वाला लिया क्योंकि इसमें कोपेनहेगन और डेनमार्क दोनों लिखा हुआ है और मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो मुझे कंट्री और उस स्टेट का दोनों का नाम चाहिए होता है, स्टेट या सिटी जो भी है, तो मैंने ये वाला लिया। मौसम शो योर्स, तूने क्या लिया? मौसम नहीं मिल जाएगा, सी सो नाइस, बट मुझे एक ही चाहिए था, जस्ट वन। और मुझे मौसम ने कॉम्प्लीमेंट किया है कि मुझ पे ऐसे लोअर बन अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बांध दिया। लग रही हूँ बिल्कुल हेली बीबर का लाइट वर्जन। तो गाइज़, इसके पहले हम जो कलरफुल बिल्डिंग्स पे आए थे वो इसका छोटू वर्जन था और हम अभी एक्चुअल वो कलरफुल बिल्डिंग्स के पास आए हैं। अभी इसको कहते हैं नए हेवन है क्या, नए हेवन, नए हेवन जो इसे स्पेल करते हों, और अगर सॉरी मैं इसको अगर रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो हम नए हेवन से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं टिवोली मार्केट और देखेंगे रास्ते में कुछ खाना पीना हुआ तो, क्योंकि हमारे दिमाग में टिक 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 टाइम चल रहा है कि हमें एक बजे तक एटलीस्ट होटल पहुंचना है, रेस्ट करना है, खाना है, पीना है और फिर रेडी होना है। ये है डेनमार्क की गलियां कोपेनहेगन। ये क्या है? हम यहाँ पे चल चल के जा रहे थे, बीच में एक ट्रैम्पोलिन पार्क जैसा बना हुआ है जस्ट इन द मिडल ऑफ द रोड, तो मैं भी जा रही हूँ गाइस, अभी आपको दिखाती हूँ मौसम है फिलहाल। तो हम चलते चलते अभी पहुँचे हैं एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस पे और यहाँ से हम जाएंगे, कौन सा मार्केट है वो, टिवोली मार्केट, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट प्लेस इज दिस, व्हाट प्लेस इज दिस, मौसम क्या, बॉर्सन, बॉर्सन चर्च के पास। अभी हम जा रहे हैं चल चल के ही टिवोली, अभी पहुँचे नहीं है, तीन क्लिप्स में मैंने बोल दिया हम टिवोली मार्केट जा रहे हैं, टिवोली मार्केट जा रहे हैं, बट आया नहीं है, बट अभी ये इमीडिएट लेफ्ट में ही है ऐसा मौसम बोल रही है,
तो हम टिवोली ऑलमोस्ट पहुंच गए, पर एंट्रेंस इसका बहुत ज़्यादा लंबा है, तो हम बस चलते ही जा रहे हैं और ख़त्म ही नहीं हो रहा है, एंट्रेंस आ ही नहीं रहा है। पर ठीक है, घूमना है क्योंकि ये बॉम्बे से ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं मिलती है हमें और दूसरे डेस्टिनेशंस की, इसीलिए हम पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और अभी हम प्रॉपर मार्केट प्लेस पर आए हुए हैं, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। तो हम टिवोली मार्केट जा रहे थे और हमें फिर टाइम का ख्याल आया क्योंकि वो एक अम्यूज़मेंट पार्क है और उसको घूमने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे, जो हमारे पास है नहीं। तो अब हम पूरा सिटी बाय वॉक घूमते घूमते और इसका आर्किटेक्चर देखते हुए रिटर्न अब हम होटल जा रहे हैं। और आपको मैं दिखाते हुए भी जा रही हूँ कि पूरा सिटी कैसा है ये। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। और कोई बात नहीं, फिर अगर लेवर लगा तब हम वो अम्यूज़मेंट पार्क जाएंगे, बट हमें लगा वो वर्थ इट नहीं है क्योंकि हम इतना वॉक हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे, बट दिन याद आया अम्यूज़मेंट पार्क में कम से कम 4-5 घंटे चाहिए आराम से, अच्छी जगह, अच्छा पूरा अच्छे से घूमने के लिए। सो इट्स फाइन, हम फिर कभी घूम लेंगे। और अभी हम जाएंगे एक बेकरी, वहाँ पर हम खाएँगे डेनिश बेक व्हाट यू कॉल इट डैनिश पेस्ट्री, और थोड़ा सा घर के लिए भी लेंगे। हम अभी बॉर्सन चर्च के अंदर आए हुए हैं और यहाँ पे ही थोड़ा सा आर्किटेक्चर देख रहे हैं और मज़े ले रहे हैं व्यूज़ के। अभी हम यहाँ पे आए हैं एक डैनिश बेकरी और वहाँ से मैंने 2-3 डैनिश डेलिकेसी ली है और टेस्ट अच्छा है। एक्चुअली यहाँ का बेकरी और यहाँ का ब्रेड बहुत फेमस है। तो हम फाइनली होटल पहुंच चुके हैं और हमारा कूपन हैगन लेवर होता है ख़त्म। अभी मैं पैकिंग करूंगी और मैंने कुछ चॉकलेट्स लिए, मैं आपको दिखा दूं। बहुत कम लिए क्योंकि इतना कोई चॉकलेट खाता नहीं है मेरे घर में। व्हाट इज़ दिस? हाँ तो बता देती हूँ, बस ये चॉकलेट्स लिया है मैंने और ये इसके अंदर वो केक है जो मैंने आपको दिखाया। दैट्स इट। बहुत ही छोटा लेवर था, बहुत ही प्यारा लेवर था, मुझे घूमना था और बहुत टाइम से दिमाग में था कि कोपेनहेगन जाना है, कब फ़्लाइट लगेगी, क्योंकि हम वैलिड तो थे पर बॉम्बे से कोई फ़्लाइट्स नहीं है यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए और मोस्ट ऑफ़ द जगह के लिए। बट आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ये चांस मिला और मेरे रोस्टर वाले और स्केड्यूलिंग वालों ने सोचा कि चलो ट्विंकल को कोपेनहेगन भेजते हैं। सो या थैंक यू सो मच मुझे मेरे साथ कोपेनहेगन देखने के लिए, डेनमार्क घूमने के लिए वर्चुअली। और आई होप मैं आपको थोड़ा बहुत जितना मैंने देखा, जितने अपनी आँखों से खुद ने मैंने देखा, वही मैंने आपको स्क्रीन के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं प्रो नहीं हूँ, मैं ट्रैवल व्लॉगर नहीं हूँ कि मैं आपको प्रॉपर प्राइसिंग या जगह का नाम, उसकी हिस्ट्री ऐसे सब बता पाऊँ। मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता, राइट? ये सब मेरे लिए भी नई नई चीज़ें, मैं कोई बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं कर रही या बहुत टाइम से मैं इंटरनेशनल क्रू नहीं हूँ। व्हेन आई वाज इन इंडिगो, मुझे इंडिगो में बस एक बार ही इंटरनेशनल लेवर मिला था फुकेट का, नहीं वो भी लेवर नहीं था, वो खाली जाना था दिल्ली फुकेट, फुकेट दिल्ली, दैट्स इट। तो मेरे लिए भी ये सब नया एक्सपीरियंस है और वो सारे फर्स्ट वाले एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो सब यादगार होते हैं और वो मैं सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप बस उसी तरह से देखो कि यार ये नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्ची है, उसके सपने पूरे हो रहे हैं, वो नई नई जगह देख रही है, तो कैमरे के थ्रू भी मैं वही कैप्चर कर रही हूँ जो मैं खुद फील कर रही हूँ। सो इनफ ऑफ दिस, जा रही हूँ, चेंज करती हूँ और पैक करके अभी बस सोऊंगी खा के, एंड देन वी विल गेट रेडी फॉर द फ्लाइट और हम जाएंगे दिल्ली, एंड देन दिल्ली से तुरंत ही 3-4 घंटे बाद हमारी मुंबई के लिए फ़्लाइट होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग, बहुत सारा प्यार देना, न्यू डेस्टिनेशन है और अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल।